हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा रेडमी 13 5G फ़ोन है, तो रेडमी 13 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने रेडमी फ़ोन को आप अपडेट कैसे कर सकते हैं और फ़ोन अपडेट कैसे कर पाएंगे रेडमी 13 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि फ़ोन अपडेट कैसे कर सकते हैं और कैसे फ़ोन को अपडेट कर पाएंगे रेडमी फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो बताने वाले हैं कि फ़ोन अपडेट कैसे करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइकन शो हो रहे हैं जिसमें स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही बेल आइकन से ओपन हो जाएंगे। तो आप कैसे फ़ोन को अपडेट कर सकते हैं, तो आपको सिंपली सेटिंग्स पे जाना है, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो आप फ़ोन अपडेट कैसे कर सकते हैं, कर पाएंगे रेडमी फ़ोन में, तो देख सकते हैं कि आपकी फ़ोन की सेटिंग्स है शो हो रही है जिसके ज़रिए आप फ़ोन को अपडेट कर सकते हैं और कर पाएंगे। तो अपडेट ऑप्शन आ रहा है, जब आप इस पर क्लिक करते हैं और अपडेटिंग ऑप्शन पे जाते हैं तो यहाँ पर चेकिंग फॉर अपडेट का ऑप्शन आ रहा है। कुछ ही सेकंड के अंदर जो आपका फ़ोन है ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। जब आप देखते हैं कि यहाँ पर चेकिंग फॉर अपडेट आ गया, इसको ऑन डाउनलोड करते ही आपका जो फ़ोन है ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा और आपका फ़ोन है न्यू वर्जन पर शो करेगा। तो इस तरीके से भी फ़ोन को अपडेट कर सकते हैं अपने फ़ोन में, जिसका यूज़ कर सकते हैं और फ़ोन अपडेट कर पाएंगे रेडमी फ़ोन में, जिसका यूज़ भी कर सकते हैं। और साथ में जैसे अगर आप फ़ोन को अपडेट करना चाहें सर्च भी कर सकते हैं। जैसे अपडेट ऑप्शन सर्च कर देंगे, सर्च करते हैं यहाँ पर डिफरेंट टाइप के अपडेट ऑप्शन भी आ जाते हैं। जैसे सिस्टम अपडेट हो गया आपका, गूगल सिस्टम अपडेट, यहाँ से सिक्योरिटी अपडेट चेक कर सकते हैं, जो भी सिक्योरिटी अपडेट होगा यहाँ से अपडेट कर सकते हैं फ़ोन को और यूज़ कर सकते हैं और सिस्टम अपडेट भी कर पाएंगे, फ़ोन का सिस्टम भी यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ़ोन को अपडेट कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।